दोस्तों आज का वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम बताएंगे आप गूगल पे को सिंपल सा 2022 में कैसे रिफर कर सकते हो और रिफर करके कैसे रिवार्ड को अर्न कर सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपको रिफरल कोड का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करके बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो अभी के टाइम में गूगल पे का रिफरल रिवार्ड है 121 रुपीज। तो भाई लोग आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, तो नहीं तो आपको जो गूगल पे का रिवार्ड नहीं मिलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आपको गूगल पे आपको ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद नीचे के साइड एक इनवाइट ऑप्शन लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप मैसेज के थ्रू व व्हाट्सएप के थ्रू और कुछ टाइप के थ्रू आप इसको शेयर कर दीजिए, आपके फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। तो भाई लोग उसके बाद आप आपका फ्रेंड को बोलना जो लिंक आप सेंड किए हो उसी लिंक से ही गूगल पे आपको प्ले स्टोर में कर डाउनलोड करें। जिस नंबर पे उसका एटीएम कार्ड है और बैंक अकाउंट है वो नंबर से और ईमेल आईडी देकर वो लॉगिन करें। लॉगिन कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गूगल पे को ओपन कर देने के बाद आप देख सकते हो इधर लिखा होगा आर बैंक अकाउंट और किसी का इस इधर शो नहीं कर रहा होगा, तो आपको पहले जो ऊपर के आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद इधर देख सकते हो लिखा है आर बैंक अकाउंट, तो इधर आपको आर बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका भी जो भी बैंक अकाउंट है उसको सर्च करके आपको इधर डाल देना है। जैसे कि मेरा एक्सिस बैंक है तो मैं एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सेंड एसएमएस ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके मोबाइल में 1.5 रुपया होना चाहिए, नहीं तो आपका जो अनलिमिटेड बैलेंस पैक वो होना चाहिए, नहीं तो आपका जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और कुछ टाइम के बाद आपका फोन नंबर एक्सिस बैंक से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका यूपीआई पिन मांगेगा, तो आपको आपका यूपीआई पिन नहीं पता होगा, इसीलिए आपको डोंट नो योर यूपीआई पिन ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो एटीएम कार्ड का 6 डिजिट नंबर है उसको इधर डालना है। एटीएम कार्ड के 6 डिजिट नंबर को डालने के बाद आपको जो एटीएम कार्ड का वैलिड अप टू नंबर है उसको इधर डालना है। उसको इधर डालने के बाद ओके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद ये गूगल पे उसको ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कर देगा। उसके बाद आपका यूपीआई पिन आप सेट कर सकते हो। दोस्तों यूपीआई पिन को सेट करने के लिए आपको 6 डिजिट कोड नहीं तो 4 डिजिट कोड को चूज करना है, तो मैं इधर 6 डिजिट कोड को चूज करता हूँ। तो मैं इधर 6 डिजिट कोड को डालता हूँ, तो उसके बाद एक बार कंफर्म करने के लिए कंफर्म यूपीआई पिन डालता हूँ। उसके बाद इस पिन को दोबारा डालता हूँ। दोबारा डालने के बाद आप देख सकते हो मेरा यूपीआई पिन सेट हो गया। उसके बाद आपको फुल नेम मांगेगा, तो आपको इधर आपका फुल नेम दे देना है। तो दोस्तों फुल नेम को डालने के बाद आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा? रिवार्ड मिलने के लिए आपको आपके दोस्त को 1 रुपया पेमेंट करना होगा, इसीलिए आपको जो नीचे के साइड न्यू पेमेंट ऑप्शन लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों न्यू पेमेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको गूगल पे के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको यूपीआई और क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको आपके फ्रेंड को 1 रुपया भेजोगे तो आपको 121 रुपीज मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो इधर लिखा है यूपीआई आईडी और ओपन स्कैनर क्यूआर, तो आप यूपीआई पर क्लिक करें। उसके बाद आपका फ्रेंड भी का जो भी यूपीआई आईडी है इधर आप डाल सकते हो, तो मैं मेरा फ्रेंड का यूपीआई आईडी इधर डाल देता हूँ। डालने के बाद वेरीफाई ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो लिखा हुआ रिक्वेस्ट और पे, तो आपको पे ऊपर क्लिक करना है। पे ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट चूज करना है, तो मैं 1 रुपया चूज करता हूँ। चूज करने के बाद सिंपल से उसको मेरे फ्रेंड को 1 रुपया भेज देता हूँ। दोस्तों अमाउंट को चूज करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको जो पिन सेट किए होंगे उस पिन को इधर डालना है। पिन को डालने के बाद आपका टाइम लगेगा, पेमेंट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आप आपका फोन को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद जो रिवार्ड का ऑप्शन है इधर जाना है, तो उधर जाने के बाद आपको जो गूगल पे के तरफ से एक स्क्रैच कार्ड मिला होगा उसको आप स्क्रैच करके रिवार्ड को अर्न कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको रिफरल कोड का सोल्यूशन बताता हूँ। रिफरल कोड का सोल्यूशन ये है कि तो आपका फ्रेंड आपके लिंक से जो भी गूगल पे आपको डाउनलोड नहीं किया होगा उसको आप रिफर कोड सेंड करके रिवार्ड को पा सकते हैं। तो जो भी आपका फ्रेंड आपका लिंक से फोन गूगल पे आपको डाउनलोड करता है तो आपको फ्रेंड को रिफरल कोड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो भी प्रॉब्लम है हमारे इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, तो उसको जाकर हमारे डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए।